मेहर में आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 70 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष ग्रामीण प्रशांत पांडे ने कहा कि जिस तरह लोगों में भाजपा के प्रति रोष है, उसी तरह उन्होंने कांग्रेस को जिताकर एक बड़ी भूल की थी। मेहर में चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत सोनवारी के 70 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान संगठन मंत्री इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों में आम आदमी पार्टी का क्रेज बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर आम आदमी पार्टी के विस्तार में बेहतर काम किया जाएगा। 2023 के चुनावों में पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक के द्वारा कहा गया है कि मध्य प्रदेश के रीवा संभाग और ग्वालियर संभाग में सबसे आशाजनक उम्मीदें मिल रही हैं। वहीं जिला अध्यक्ष ग्रामीण प्रशांत पांडे ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में निरंतर जारी है और इसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम भी था। युवाओं में जिस प्रकार का जोश देखा गया है, वह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के लिए लोग पूरे प्रदेश में उत्साहित है। उन्होंने कहा, सतना जिले में जिस तरह से लोगों में भाजपा के प्रति रोष है, उसी तरह उन्होंने कांग्रेस को जिताकर एक बड़ी भूल की थी। 22 विधायक बिककर भाजपा में चले गए थे और तख्ता पलट हो गया था। यह भाजपा की नीति ही है कि उन्हें सत्ता से बाहर रहने में आनंद नहीं आता है। कांग्रेस बिकाऊ घोषित हो चुकी है, जिससे आम आदमी पार्टी की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। 70 लोग हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर सुनवारी पंचायत का झंडा टोला है ना, और झंडा टोला में अगर 60-70 लोग सदस्यता ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का जो क्रेज है कितनी तेजी के साथ बढ़ते हुए जा रहा है। सदस्यता अभियान संगठन विस्तार का को लेकर के है और संगठन के बिना कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और संगठन को मजबूत करना ही इस सदस्यता अभियान का मूल उद्देश्य है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।